हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। रिवीजन सीरीज में ये सेकंड चैप्टर है, क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर है फेडरलिज्म। ठीक है, इस चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन डिटेल समझा चुका हूं। अब एग्जाम परस्पेक्टिव से सारा चैप्टर एक ही वीडियो लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं। क्या क्या है, एक ब्रॉड आउटलाइन में आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फेडरलिज्म, सबसे पहला सवाल आता है फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फेडरलिज्म का मीनिंग बताओ। ठीक है, एक्सप्लेन फेडरलिज्म, वन मार्क्स में, थ्री मार्क्स में आ सकता है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट टू और मोर देन टू टीयर्स। मतलब एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सिस्टम ऑफ पॉलिटी कह लीजिए, ठीक है, कंट्री का एक स्ट्रक्चर जहां पे आप पावर को क्या कर रहे हैं, पावर को डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी होगी मतलब पूरी कंट्री, एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। जैसे वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में हम देख लेते हैं, अलग अलग स्टेट हो गए, अब हो सकता है ये स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पावर को क्या करते हो, एक अथॉरिटी से नीचे की तरफ डाइल्यूट करते हो, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में आपने इसे पढ़ा है। ठीक है, पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, शेयरिंग पावर अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये वही हो रहा है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक पावर को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ठीक है, वो होता है फेडरलिज्म। ठीक, अब रिलेशन विद श्रीलंका एंड बेल्जियम। तो देखो, बेल्जियम में फेडरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और इसी कारण से वहां पे हमने देखा कि जब उन्होंने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया अपनी कंट्री में, ठीक है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, तो उसके चलते क्या है कि वहां पे कंफ्लिक्ट्स कम हुए, वहां पे प्रॉब्लम्स उतनी एग्जैगरेट नहीं हुई, प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं, और चीजों को संभाल लिया गया। लेकिन यही चीज अगर आप देखते हैं कहां पे, यही चीज अगर आप देखते हैं किस केस में, इस चीज को अगर आप श्रीलंका के साथ देखोगे, श्रीलंका के साथ जोड़ के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा क्या कि श्रीलंका में चीजें वैसी नहीं होती है। ठीक है, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया गया था। ये क्या चीज है, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझाते हैं हम आपको। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक उस तरह की गवर्नमेंट जहां पे पावर जो है तो वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है। सेंट्रल अथॉरिटी के पास जो पावर होती है, डिफरेंस बता रहा हूं दोनों के बीच का, समझना इस चीज को, सेंट्रल अथॉरिटी के पास में पावर होती है और वो सेंट्रल अथॉरिटी अपने नीचे जो दूसरे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जैसे स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उन्हें पावर नहीं देती है, सारे डिसीजन सेंट्रल लेवल के लिए दिए जाते हैं। जो रीजनल एस्पिरेशंस रहती है, जो स्टेट्स की इच्छाएं रहती है, जो उनकी डिमांड्स रहती है, उसे एड्रेस नहीं किया जाता है, तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, जैसा श्रीलंका के केस में, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, श्रीलंका के केस में यूनिटरी था, बेल्जियम के केस में फेडरल था। ठीक है, तो फेडरलिज्म कहां देखने को मिली हमें, बेल्जियम के केस में देखने को मिली। अब सवाल ये आता है कि जरूरी क्यों है, रीजंस, व्हाट आर द रीजंस फॉर फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को अडॉप्ट क्यों किया जाए। तो इसे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर से ही रिलेट करो। फेडरलिज्म को जब आप अडॉप्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप जैसे पोटेंशियल रीजन क्या था कि यू आर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, लड़ाई भिड़ाई की जो संभावनाएं थी उन्हें आप कम कर देते हो। आप क्या करते हो, जब फेडरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हो तो आप जो कह सकते हैं कि जो दूसरे यूनिट्स है जिनके साथ पावर शेयर कर रहे हो, आप उन्हें भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर रहे हो अपने साथ। अब जब वो आपके साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड होंगे तो वो क्या करेंगे, उन्हें अपनापन लगेगा। ठीक है, तो वो यूनिटी को बनाए रखेंगे। अब वही चीज अगर आप पावर देते नहीं हो, आदमी अंदर ही अंदर क्या होने लगता है, डिसकंटेंटेड फील करने लगता है कि यार गलत हो रहा है, पावर नहीं मिल रही, ये सारी चीजें। जब आदमी अंदर ही अंदर डिसकंटेंटेड फील करने लगेगा तो वो क्या करेगा, रिबेल कर सकता है, आपकी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। तो इस सेंस में फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल प्रिंसिपल है, जिसे अडॉप्ट करने से आप क्या कर सकते हो, आपकी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो। पावर शेयरिंग से रिलेट कर लो, नो डाउट सही है ये एकदम। ठीक है, ये तो मीनिंग वाला पार्ट हो गया। अब अगर बात की जाए कि एक जो फेडरल फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने कहा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो हाउ डज अ सिस्टम लुक्स लाइक विच हैज अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस भी सिस्टम ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया तो लगता कैसा है, व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है मीनिंग का, बता दिया आपको। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है फेडरलिज्म, यूनिटरी, क्लियर है, तो वो चीजें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर लास्ट ईयर पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आपको ये सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी है सीधे आने की। इसे अगर देखते हैं हम, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी कंट्री अपने आपको क्या बोलेगा कि जैसे हम कहते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, तो
हमारे यहाँ दो या दो से ज्यादा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, बिल्कुल है। जैसे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे भी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देयर शुड बी या फिर देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और टीयर्स भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो दो से ज्यादा टीयर्स हैं या फिर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वो कंट्री क्या होगी, फेडरल कंट्री होगी, या फिर आप अपने आप को फेडरल कंट्री बोल रहे हो तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म का एक फीचर हो गया, क्लियर। अगला फीचर देखो, तो डिफरेंट टीयर्स हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो क्या होता है कि दिखती बात है, देश ये है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसी देश को चलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसी देश के एक हिस्से को, इसी देश के एक हिस्से को। अब अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं, हमारे हिस्से को हम ही संभालेंगे पूरा, तो सारे स्टेट अगर ऐसा बोल देंगे तो फिर सेंट्रल के पास क्या बचेगा, दिक्कत होगी ना। मतलब क्या है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस। मैं भारत का भी हिस्सा हूं, मैं मध्य प्रदेश का भी हिस्सा हूं, आया ना समझ में। तो क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मेरे ऊपर भारत सरकार भी एक तरह से क्या कर रही है, मुझे रूल कर रही है। रूल करना सही नहीं रहेगा, मतलब मेरे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मेरे लिए क्या कर रही है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट भी मेरे लिए क्या कर रही है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर रही है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कौन क्या कर रहा है, तो वही चीज यहां पे बताई गई कि, ठीक है, वही चीज यहां पे क्या हो गया, इसको मार्कर को, ठीक है, चल रहा है। तो वही चीज यहां पे बताई गई है क्या कि डिफरेंट टीयर्स हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, नो डाउट दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस, ठीक है। सेम कंट्री के ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक ही जगह पे रूल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है, मतलब उनकी जो सीमा है जहां तक वो क्या कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो दे हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर्स। मैटर स्पेसिफाई कर दिए कि लेजिस्लेशन, ठीक है, कौन किस पे लॉ बनाएगा, कौन किस पे टैक्स लगाएगा, कौन किस पे एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। तो उस तरह से उनके मैटर या फिर एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है उसे स्पेसिफाई कर दिया है, नो डाउट दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजन, सेम सिटीजन को गवर्न करने, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को या फिर ज्यूरिसडिक्शन को क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। कहां क्लासिफाई करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फीचर है कि ऐसा नहीं सिर्फ बोल दो कि हाँ इतने इतने एरिया में सेंट्रल, इतने इतने में स्टेट और हो गया खत्म, नहीं, आपको क्या करना होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, ठीक है, स्पेसिफिकली स्पेसिफाई ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जो अलग अलग कौन कितने एरिया पे रूल करेगा, किसका कितना लेजिस्लेशन पावर होगा, कितना टैक्सेशन पावर होगा, दिस ऑल थिंग्स आर नीडेड टू बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल प्रोविजंस पहले समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मूलभूत भावनाएं होती है संविधान की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक क्या कह सकते हैं कि बेसिक एसेंस जो है, ठीक है, वो फंडामेंटल प्रोविजंस कहलाएंगी। तो ये जो बेसिक एसेंस है, फंडामेंटल प्रोविजंस जो है, तो इसे अगर बदलना है, जैसे फंडामेंटल प्रोविजन हम देते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स है, या फिर आप कह लीजिए कि स्टेट्स में से एक स्टेट में से नया स्टेट निकालना है, या फिर पूरे कंट्री के जितने भी सिटीजन है उन सिटीजन के ऊपर क्या कोई लॉ लाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, अगर उन्हें आपको बदलना है तो उन्हें बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, उन्हें बदलने के लिए आपको कंसेंट लेना होगा, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात मानना होगी, सुनना होगी, समझना होगी, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन बदलना है तो। यह इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। द सुप्रीम कोर्ट acts as an empire if dispute arises between different levels of government. एक फीचर ये भी है फेडरलिज्म का। अब देखो फेडरलिज्म में आपने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना तो दिए, ठीक है, छोटे भाई बड़े भाई बना तो दिए आपने, लेकिन हो सकता है उनके बीच में लड़ाई हो जाए, तो वहां पे लड़ाई सुलझाएगा कौन, ठीक है। दिखती बात है, बड़े भाई को अगर बोल दो कि तुम समझदार हो, तुम तो अपने हिसाब से लड़ाई सुलझा लो, छोटे भाई को पकड़ के दो लगाएगा वो, और छोटा भाई फिर चुपचाप रोता रहेगा, लड़ाई ऐसे सुलझेगी, ठीक है। लेकिन ऐसे सुलझाना नहीं है ना, मैं तो इक्वली, मतलब देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट विद बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें क्या होता है, उसमें जुडिशियरी जो होती है, तो जुडिशियरी क्या करती है, पेरेंट्स का काम करती है, पेरेंट्स का काम करती है, एम्पायर का काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स, हाईएस्ट कोर्ट मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस, ठीक है। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान जुडिशियरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू
for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब देखो क्या है, आपने पावर शेयर कर दिए, एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस जुरिसडिक्शन वो भी शेयर कर दिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपने बहुत बेहतर तरीके से शेयर कर दिए, जुडिशियरी भी बिठा दिए, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, ठीक है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में क्या होना चाहिए, रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए कि कहां से वो पैसा लेंगे. अब इस कहां से वो पैसा लेंगे ये आपको बताना होगा. तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट रहे, सेंट्रल लेवल भी, स्टेट लेवल भी, लोकल लेवल भी, ठीक है. तो सारे लेवल्स क्या रहे हैं, सारे लेवल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, खड़ा है कि भैया देंगे सेंट्रल वाले पैसे तब हमारा काम होगा. तो इस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए सोर्सेज जो है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, दे आर बीइंग क्लियरली स्पेसिफाइड, उसको क्लियरली स्पेसिफिकली बता दिया कि हाँ तुम यहां से पैसा कमाओगे, तुम यहां से पैसा कमाओगे, दैट्स इट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको. फिर फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, ये जो फेडरल सिस्टम बनाया है ना, इस फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव हैं. क्या क्या दो ऑब्जेक्टिव हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, दूसरा टू अकोमोडेट रीजनल डायवर्सिटी, ठीक है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी. देखो फेडरलिज्म से दो फायदे हैं, वही ड्यूअल ऑब्जेक्टिव. एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, व्हाट आर द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, तो यहां ध्यान रखना, द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म आर, फर्स्ट टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, जब आप पावर शेयर कर दोगे तो आपकी कंट्री आपस में यूनाइटेड रहेगी, ठीक है, तो ये चीज है पहली. तो आप क्या कर रहे हो, सेफगार्ड कर रहे हो, उसी चीज को प्रमोट कर रहे हो कंट्री को, कि कंट्री यूनाइटेड रहे, लोग लड़े भिड़े ना, सबको पावर दे दो, ठीक है. दूसरा एडवांटेज क्या है, टू अकोमोडेट रीजनल डायवर्सिटी, ठीक है, विथ शेयरिंग ऑफ पावर, या फिर कह सकते हैं जब आप अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बना देते हो, तो आपने स्टेट बनाया, सॉरी एक कंट्री है आपका, आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड को क्या बोल दिया, एक अलग स्टेट बना दिया. अब नागालैंड का अपना एक अलग कल्चर है, अपनी एक अलग रीजनल डायवर्सिटी है, तो आपने उसे एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के क्या कर दिया, उसकी रीजनल डायवर्सिटी को खुद प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पावर दे दी है. आया ना समझ में, तो आप एक समय पे उसको कंट्री के साथ भी रख रहे हो, पावर दे दी, खुश है वो, ठीक है, हाँ मैं भी कंट्री का पार्ट हूं, मेरे पास भी पावर है, और दूसरे समय में फायदा ये होगा कि उसकी जो रीजनल डायवर्सिटी है उसे आपने बचा लिया. तो ये एडवांटेज होता है, किसका एडवांटेज होता है, ये एडवांटेज होता है पावर शेयरिंग का, या फिर कह सकते हैं फेडरलिज्म का, ठीक है. पावर शेयरिंग फेडरलिज्म, आप ऐसे सिनोनिम्स की तरह इसलिए यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि फेडरलिज्म इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर है. चलो, तो ये तो हो गया क्या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं वो तो देख लिए. अब किस किस प्रकार के फेडरलिज्म होते हैं, ये दो प्रकार के फेडरलिज्म है हमारे पास में, ठीक है. तो टू रूट्स ऑफ फेडरेशन, या फिर क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आएगा, व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, एक्सप्लेन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक्सप्लेन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फेडरेशन फेडरलिज्म दोनों तरह से किसी तरह से पूछा जाए. कंटेंट पता है, क्वेश्चन कैसे ही पूछ लो आप, हम तो लिख देंगे, ठीक है. तो वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं, कंटेंट समझते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन का और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू. देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, सिंपल सी चीज है. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में मतलब आपको पहले समझा देते हैं दोनों चीजें. तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यह होता है कि जब इंडिविजुअल स्टेट्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल पॉलिटिकल यूनिट्स कम टुगेदर, जब साथ में आ रहे हैं, कमिंग टुगेदर, ठीक है, जब इंडिपेंडेंटली दी स्टेट्स और डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स कम टुगेदर एंड पूल अप देयर सॉवरेनिटी, ठीक है, साथ में आते हैं और मिलके एक सॉवरेनिटी क्रिएट करते हैं, मतलब मिलके एक यूनियन क्रिएट करते हैं. दिस टाइप ऑफ कंट्री या फिर दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन. एग्जाम्पल में जैसे यूएसए, यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स साथ में आते हैं और वो साथ में आके मिलके यूएसए बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, मतलब जो स्टेट्स थे वो यूनाइट हो गए और उन्होंने अमेरिका बना लिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहां पे डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, आप स्टेट के भी सिटीजन हो, ठीक है, और यूएसए के भी सिटीजन हो. तो उस सेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कंसेप्ट है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज वेयर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज डोमिनेटिंग, या फिर दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. ये कमिंग टुगेदर का हो गया, ठीक है. अब यहां पे क्या हो रहा, होल्डिंग टुगेदर, देखो नाम में ही मतलब छुपा है, होल्डिंग टुगेदर. यहां पे कमिंग टुगेदर में आपने कहा कि मिल रहे हैं सारे लोग, दे आर कमिंग एंड मेकिंग द यूनियन, ठीक है. होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, अ ग्रेटर सेंट्रल, ठीक है, या फिर अ ग्रेटर सेंटर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर विथ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है, या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स. तो एक सेंट्रल, ग्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, अपनी पावर को डाइल्यूट कर रही है
एंड मेकिंग अ यूनियन, ठीक है, एक पावर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को डाइल्यूट करके जो दूसरे पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनको यूनियन बनाने के लिए क्या कर रही है, अपने साथ रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उनको पावर देके उसने यूनियन को होल्ड करके रखा है, तो ये होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी ध्यान रखना है आपको, ठीक, एग्जाम्पल जैसे इंडिया, इंडिया में हम देखते हैं क्या कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है तो वो कह सकते थोड़ा सा यूनिटरी फेडरलिज्म है, कि हम सेंट्रल जो है हमारी ज्यादा पावरफुल है थोड़ी सी, स्टेट के पास पावर नहीं है ऐसा बोलना गलत है, ठीक है, मैंने नहीं बोला, स्टेट के पास भी पावर है लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है, ज्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, दीज आर सम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म या फिर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हमेशा ध्यान रखना इसे। अगली चीज, अब देखो फेडरलिज्म क्या होता है, मीनिंग समझ लिया, फीचर समझ लिए, ये क्वेश्चन भी और इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म वो भी समझ लिया, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब बात ये आती, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हम बोलते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है, तो इंडिया को क्या चीजें फेडरल कंट्री बनाती है, तो नो डाउट जितने भी फीचर्स आपने पढ़े वो सारे फीचर्स इसी का पॉइंट है, कि सिंस क्या है हमारे पास, टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जुडिशियरी एक्ट एज एन एम्पायर, जी हाँ जुडिशियरी एम्पायर की तरह काम करती है, तो वो फीचर से ही आपको आधी चीजें रिलेट हो जाएगी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड, और ये सारी चीजें कहां पे स्पेसिफाई की है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को एक फेडरल स्ट्रक्चर देता है, नो डाउट सारे फीचर्स पे इंडिया खरा उतरता है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर क्वेश्चन आता तो आपको ध्यान रखना है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हाँ, एक चीज और देखो, आगे एक टॉपिक है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है, और एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक ये है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, अब क्वेश्चन यहां पे कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, आपसे अगर पूछा है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना है, अभी हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अगर आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को क्या फेडरल बनाता है और इंडिया कैसे फेडरल बनता है, दोनों चीजें अलग है, बायफर्केट करना सीखो, गलती नहीं करना है, गलती करोगे नंबर कटवाओगे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे यहां थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे पास तीन है, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तो शुरुआत में सेंट्रल और स्टेट थी, बाद में लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई, जहां पे क्या किया गया है कि पंचायती और पंचायती राज सिस्टम लाए गए, जहां पे रूरल एरियाज में पावर दी हमने, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह लाए जहां पे अर्बन एरियाज में पावर दिए, तो इस तरह से वी आर हैविंग थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तीन टीयर का सिस्टम है हमारा पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट ये हो गया, तो दिस थ्री टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये हमारी कंट्री को फेडरल कंट्री बनाता है। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन थ्री लिस्ट, तीन लिस्टों के बीच में क्या कर दिया हमने, लेजिस्लेटिव पावर को बांट के रखा है। कौन कौन सी तीन लिस्ट है देखो, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, समझना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वन मार्क्स के क्वेश्चन भी सीधे निकल के आते हैं यहाँ से, ठीक है। वन मार्क्स के क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं और ये क्या चीजें, पहले मैं समझाता हूँ। फीचर में हमने क्या देखा था, फीचर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि फेडरल कंट्री में क्या होता है, एक फेडरल कंट्री में दी स्टेट्स आर हैविंग दी स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन एंड दी पावर्स टू मेक लॉज सच एज ऑन जुडिशियल लेजिस्लेटिव मैटर्स हो गया, ठीक है। फिर अगली चीज क्या हो जाती है हमारी, टैक्सेशन हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, तो अलग अलग स्पेसिफिक इश्यूज पे डिसीजन लेने का ज्यूरिसडिक्शन जो होता है तो स्पेसिफाइड होता है। नो डाउट दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस बट द एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आर स्पेसिफाइड, ठीक है। तो वो जो एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन को आप स्पेसिफाई करने की बात करते हो ना, तो हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लेजिस्लेटिव पावर्स को कि कौन किस पे लॉ बनाएगा उसे स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, तीन लिस्ट के अंदर स्पेसिफाई किया है, तीन टीयर है, तीन टीयर के बाद में कौन कौन से लॉ बनाएगा वो भी स्पेसिफाई कर दिया। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब वो वाली लिस्ट जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स दिए, सब्जेक्ट्स मतलब ये मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह नहीं है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूनियन लिस्ट में आप कहेंगे क्या, करेंसी, ठीक है, करेंसी के बाद कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, तो ये फॉरेन अफेयर्स, तो ऐसे जो इश्यूज हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब ये इश्यूज, इन इश्यूज पे जो लॉ बनाएगा, ठीक है, तो वो कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि इन इश्यूज को कहां डाल दिया, यूनियन लिस्ट में डाल दिया है, ऐसे समझना है। तो हमने क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास कितनी रहेगी उसको स्पेसिफाई कर दिया, यूनियन लिस्ट में ये रहेगा। स्टेट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट में वो सारे इश्यूज, वो सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे वो इसमें आ जाएगा, जैसे क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर कंकरेंट लिस्ट, अब ये समझना है,
तो कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स ऑल दोस सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे कंकरेंट लिस्ट में, जिसपे लॉ कौन बना सकते हैं, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों गवर्नमेंट जिस जिन इश्यूज पे लॉ बना सकती है, जैसे क्या हो जाता है, जैसे एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन एक ऐसा इशू है जिसपे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। सवाल कि मान लो दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट लॉ बना दिए तो, ठीक है, तो इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट ओवर द इश्यूज ऑफ कंकरेंट लिस्ट द लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वुड प्रिवेल, ठीक है। तो जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज प्रिवेल करेंगे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर। आया ना समझ में? तो ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया लेजिस्लेटिव पावर्स का तीन लिस्ट के बीच में, एंड दिस स्पेसिफिक फंक्शन फीचर, हाँ फीचर नहीं रहेगा, दिस स्पेसिफिक फीचर मेक्स आर कंट्री फेडरल, ठीक है। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन थ्री लिस्ट। अगर देखो पांच नंबर में क्वेश्चन आता तो फिर हर चीज को एक्सप्लेन इतना डिटेल में नहीं करना है, पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन, पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन, तीनों पॉइंट लिख दिए, ठीक है, तीनों पॉइंट में लिख दिए। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे लॉ कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे लॉ कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से आपको कंकरेंट लिस्ट का भी देना है। अब क्या होता है, एक चीज और आती है, रेसिडरी लिस्ट होती है या फिर रेसिडरी सब्जेक्ट होते हैं कुछ, ये क्या चीज है, ये क्या बला है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आपने स्पेसिफाई कर दिए सब्जेक्ट, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं विच इमर्ज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमने अडॉप्ट कर लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कुछ इश्यूज निकल के आए हमारे सामने। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कौन कौन से इश्यूज निकल के आए, जैसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 46 से 49 तक, तो तब तो देखा जाए तो तब हमारे पास में ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी लॉज वगैरह नहीं थे, बाद में आई ये चीज, और अब इस पे लॉ बहुत जरूरी है, साइबर क्राइम ये सारी चीजें, तो अब लॉज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स विच इमर्ज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेसिडरी सब्जेक्ट्स, और इस पे लॉ कौन बनाएगा, तो इस पे लॉ बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी कारण से जो मैंने आपसे भी कहा था थोड़ी देर पहले कि इंडिया का फेडरलिज्म थोड़ा सा टिल्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो तो ज्यादा पावर मिली ना, तो रेसिडरी सब्जेक्ट्स विच इमर्ज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ओवर दिस सब्जेक्ट कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है, ये हो गया। अब प्रोवाइडिंग, हाँ ये दो पॉइंट हुए, तीसरा पॉइंट कैसे हम इंडिया, मतलब क्या चीजें इंडिया को फेडरल कंट्री बना दी, तो तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन स्टेट्स, एग्जांपल गिवन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देखो आपकी बुक में जम्मू कश्मीर दिया है, ठीक है, अब बुक पुरानी है, अब नया जब एडिशन प्रिंट होकर आएगा तो उसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हटा देंगे, आपको डरना नहीं है, वो पूछेंगे भी तो ऐसा लिख सकते हो आप उसमें, कोई इतना ऐसा नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मिले थे कि जम्मू कश्मीर का आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, वो सिंपल सा लिखो कि अर्लियर प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन स्टेट्स, अर्लियर जम्मू कश्मीर वॉज हैविंग द स्पेशल स्टेटस बट विद द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 नाउ द स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर इज रिवोक्ड, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अभी भी लेकिन दूसरे स्टेट्स हैं, तो जैसे 371 ए बी सी डी जो है, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे, तो इन्हें स्पेशल स्टेटस दे के रखा है, ठीक है। तो ये हमारे कंट्री को क्या बनाता है, ये हमारी कंट्री को फेडरल बनाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप स्पेशली प्रोटेक्ट कर रहे हो कुछ स्टेट्स को, ताकि वो क्या कर सके, उनके अगर वो किसी का डिसएडवांटेजियस पोजिशन पे, मान लो उनकी ज्योग्राफी के कारण या फिर कह लीजिए कि वहाँ का जो कल्चर है उसके कारण वो थोड़े से पीछे रह गए, तो उन्हें आगे लाने की उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन स्टेट्स, एंड दिस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ठीक है। अगला, फंडामेंटल प्रोविजन कैनॉट बी चेंज यूनिलैटरली, यही चीज फीचर में भी पड़ी थी कि हमारी कंट्री को फेडरल कंट्री हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजन है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको आप ऐसे ही नहीं बदल सकते हो यूनिलैटरली, दे कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, मतलब कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं बदल सकती है, आपको क्या करना होगा, अगर बदलना है तो रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट इज रिक्वायर्ड। देखो लॉ बनना है तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपको अगर फंडामेंटल प्रोविजन बदलना है तो स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी से पास करवाना होगा लॉ, टू थर्ड मेजोरिटी से आप लॉ पास करवाओगे, ठीक है पास हो गया लॉ, लेकिन टू थर्ड मेजोरिटी से पास करवाने के बाद में आपको कम से कम जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं, ठीक है, रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट इज रिक्वायर्ड। कितने स्टेट है हमारे, 28 है अब, ठीक है, तो 28 स्टेट्स का हाफ कितना हो गया, करो जरा फटाफट मैथ्स, मेरी कमजोर है, 14 हो गया, 14 तो मोर देन हाफ मतलब 15, तो कम से कम 15 स्टेट्स जब तक क्या करेंगे उसे रेटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है,
15 स्टेट्स उसे रेटिफाई नहीं करेंगे, मतलब उस पर हाँ नहीं बोलेंगे, तब तक फंडामेंटल प्रोविजंस जो जैसे जीएसटी जो हुआ पास, तो जीएसटी में क्या है कि जीएसटी एक फंडामेंटल प्रोविजन था टैक्स स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, तो आपको क्या करना होगा उसका वाला पार्ट भी चेंज करना होगा ना आपको, पूरी कंट्री से क्या लेना होगा अप्रूवल लेना होगा, आपको स्टेट से भी अप्रूवल लेना होगा, ये चीज रहती है। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट एज एम्पायर, वही चीज है कि जो डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट एम्पायर होना चाहिए, तो हमारी कंट्री में वैसा है ही। ठीक है, एंड दिस मेक्स आर कंट्री अ फेडरल कंट्री। ठीक, अगली चीज है पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस लाइज विद इन बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि टैक्स लगाना है जो, तो टैक्स लगाने की पावर जो हमने फीचर्स में पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी स्पेसिफाइड, वही चीज है कि हम देखते हैं कि टैक्स लगाने की पावर जो है तो लेविंग टैक्सेस लाइज विद बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल भी और स्टेट भी, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो टैक्स लगा सके। तो दीज आर दी फीचर्स, पांच पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब एक चीज और भी इसमें यूनियन टेरिटरीज, तो जैसे वो एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टेट, ठीक है आप स्टेट नहीं बना सकते बहुत छोटे हैं, और उसके बाद में उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर है तो दे आर एडमिनिस्टर्ड एज यूनियन टेरिटरी, तो ये भी हमारी कंट्री का एक फेडरल नेचर बता रहा है क्या कि किसी को हमने छोड़ा नहीं है ऐसे, ठीक है सबको लेके चल रहे हैं साथ में, तो यूनियन टेरिटरीज भी बना दी गई है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी कंट्री को क्या बनाते हैं, फेडरल कंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब सवाल ये आता है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, आप फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो। ठीक है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज समझते हैं हम। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इस लाइन को समझ गए सारी चीजें समझ जाओगे। आपने क्या देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजन डाल दिए ताकि हमारी कंट्री को हम फेडरल कंट्री बोल सके बना सके, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डाल देने से कुछ नहीं होगा। मतलब मैं आपको 1000 बुक्स दे देता हूं कि 1000 छोड़ो चलो 1000 क्वेश्चन दे देता हूं, 1000 क्वेश्चन पढ़ लो आप सोशल साइंस में 100 मार्क्स ले आओगे, मेरे क्वेश्चन दे देने से आपके मार्क्स थोड़ी ना आ जाएंगे। क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, अकॉर्डिंगली चीजों को एडजस्ट करना होगा, सारी चीजें करना होगा ना, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है क्या कि सिर्फ और सिर्फ मेरे क्वेश्चन दे देने से आपको चीजें समझ में नहीं आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको उन चीजों को पढ़ना समझना होगा, तो वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डाल देने से काफी नहीं होगा, आपको क्या करना होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायर्ड चेंजेस लाना होगा अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। ठीक है, अगर सिचुएशन बोल रही है कि नहीं यार क्या पावर शेयर करना थी दो और दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन आप वहां जिस पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, आपको देखना होगा अपनी कंट्री में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो ये वही वाली चीज है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो थ्योरी तो हमने देख ली है लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया ने क्या क्या किया है, इंडिया ने कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया है। ठीक है, अब वो समझते हैं हम। तो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में जिस तरह का क्या है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जाने आपकी बुक नहीं है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब कि हमारी कंट्री में जिस प्रकार की राजनीति हुई है कब, आजादी के बाद से, तो उस तरह की जो राजनीति हुई है उस राजनीति के थ्रू हमें समझ में आया कि हाँ कैसे हमारे लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज को बहुत बेहतरीन तरह से देखा है कि फेडरलिज्म को आप ग्राउंड रियलिटी पे कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो उसमें तीन पॉइंट्स हैं। अब देखो जरा आप थोड़ा सा थ्योरी को रोकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट बताता हूं। एक तो क्वेश्चन सीधा आएगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एक्सप्लेन, तो आपको ये तीन पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरे तरह के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि द पॉलिसी ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैड प्रूव्ड अ सक्सेस इन प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से क्या हुआ, उस पॉलिसी से हमें सक्सेस मिली है फेडरलिज्म को हमारी कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब आपको लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी बताना होगी और फिर उसका एसेंस समझाना होगा कि कैसे उसकी मदद से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में सक्सेस मिली है। ठीक है, तो देखो लिंग्विस्टिक स्टेट, वैसी लैंग्वेज पॉलिसी भी पूछ लिया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी पूछ लिया, या फिर क्वेश्चन सीधे आ गए एक्सप्लेन द लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन लाइट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तीनों एक साथ भी आ सकते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट देख लीजिए, तो अब यहां पे क्या बताया गया है कि हमारी कंट्री में हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे। लिंग्विस्टिक स्टेट होते क्या है, व्हेन वी हैव क्रिएटेड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कैसे, आजादी मिल गई आजादी, ठीक है, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारे सामने चैलेंज ये था कि अलग अलग ग्रुप जो थे, तो अलग अलग ग्रुप्स क्या बोलने लगे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बना दो, हमारे लिए स्टेट बना दो। तो
अब हमने ये सोचा कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे, तो देखो इसमें कुछ इश्यूज भी जुड़े हुए हैं। इश्यूज ये जुड़े हुए हैं कि हमारे लीडर्स को ऐसा लगा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे गुजराती बोलने वाले लोगों को गुजरात बना के दे दो, मराठी बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र बना के दे दो, ठीक है, तमिलनाडु में जैसे जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं उनका तमिलनाडु बना दो, तो कल को या आज इन्होंने स्टेट मांगा है, कल देश से अलग भी हो सकते, तो चैलेंज था, इश्यूज, ठीक है, इश्यूज में कंसर्न थे लोगों के ये कि इट दिस स्टेप मे डिवाइड द कंट्री, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पर अगर आप कंट्री को डिवाइड करते हो तो स्टेट्स को बनाते हो तो इट मे डिवाइड द कंट्री, ठीक है, लेकिन क्या होता है स्टेट्स बनाना पड़ा, लिंग्विस्टिक स्टेट पे अपोजिशन था, कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, इंटरनल रिवॉल्ट्स हो रहे थे, लोग डिमांड कर रहे थे, तो स्टेट्स बना दिए लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन वो उल्टा क्या होता है, डिवीजन तो नहीं हुआ हमारी कंट्री का, वो एक सक्सेसफुल स्टेप प्रूव होती है। कैसे सक्सेसफुल स्टेप प्रूव होती है, क्योंकि जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपने स्टेट्स बनाया तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आसानी हो गई, ठीक है, हर स्टेट को अपने आप एडमिनिस्टर कर पा रहे थे, अपनी लैंग्वेज में एडमिनिस्टर कर पा रहे थे, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गया, तो इसका एडवांटेजेस के रूप में देखा गया, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना एक तरह से हमारे लिए एडवांटेजेस प्रूव हुआ, क्लियर। तो एक ये फीचर है या फिर एक ये पॉइंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया, इंडियन फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लाइन पे हमने किया, इट प्रूव टू बी अ सक्सेसफुल स्टेप, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी किस तरह से हमारी कंट्री में कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में हमारी मदद करती है, तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी में सिंपल सी चीज ये है कि हमने नो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करा। देखो हमारी कंट्री में नो डाउट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी, एक मेजोरिटी सेक्शन जो हमारी कंट्री का वो हिंदी बोलता है, लेकिन हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करा, कभी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करा, सॉरी ऑफिशियल नहीं, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, नेशनल लैंग्वेज की बात करें, नो स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, रेदर वी प्रोवाइडेड ए स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हमने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बताया, हमने क्या बोला कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश, ऑफिशियल मतलब कि जो ऑफिसेस में कामकाज होता है वो इन लैंग्वेजेस में होगा। तो इसका फायदा क्या है, देखो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अब हमने श्रीलंका और बेल्जियम में देखा कि लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू हो जाता है, अब अगर आप क्या करते हैं, आप जोर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं सारे लैंग्वेज को हिंदी बोलना होगी, तो उसके चलते क्या हो सकता था कि जो दूसरे लैंग्वेज हैं, दूसरे लैंग्वेज स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है, ठीक है, कर्नाटका है, कन्नड़ बोली जाती है, केरला है, मलयालम बोली जाती है, गुजरात है, गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र है, मराठी बोली जाती है, तो इन स्टेट्स से रिवॉल्ट हो सकता था, इन स्टेट्स के द्वारा अपोजिशन हो सकता था, तो उस चीज से बचने के लिए हमारे कह सकते हैं क्या कि जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की तरह थोपना जाए, इंग्लिश और हिंदी जो है उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह चलाया जाए। एक समय के बाद में जब बोला गया कि इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर दें, तो सदर्न स्टेट्स ने बोला नहीं इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, तो इसके लिए हमने क्या करा कि दोनों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह चलाया, हिंदी को भी इंग्लिश को भी। तो ये हमारी सेंसिटिविटी बताती है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, ठीक है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, एक समय के बाद में 1956 के बाद में बंद करना था हमें इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हमने उसे कंटिन्यू रखा, क्यों, क्योंकि स्टेट्स की डिमांड थी। तो दिस शोज द मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, आया ना समझ में। ये हो गया दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब आपने क्या किया, किसी भी स्टेट किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया, उसी के साथ साथ में आपने 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, ठीक है, इन लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया है, मतलब 8th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उस पार्ट में, उस 8th शेड्यूल वाले सेक्शन में क्या है, 22 लैंग्वेजेस हैं जो जिस लैंग्वेज में, जिन सारी लैंग्वेजेस को कंट्री में रिकॉग्नाइज किया गया है कि हाँ ये हमारी कंट्री की लैंग्वेजेस हैं, और जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं तो वहां पे आप उन सारी लैंग्वेजेस में मीडियम चूज कर सकते हैं अपना, तो ये बताता है हमारी कंट्री की लैंग्वेज पॉलिसी को। अगली चीज सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या चीज है ये, सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह के रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, बुरे थोड़ी ना है, अब अच्छे रिलेशन कैसे हैं वो देखते हैं हम। तो सेंटर स्टेट रिलेशन वाले पॉइंट में बताया गया है कि देखो हिस्टोरिकली पहले क्या होता था कि वन पार्टी सिस्टम चलता था, एक पार्टी डोमिनेट कर रही पूरी कंट्री की पॉलिटिक्स को, तो वो स्टेट सेंट्रल पार्टी हो गई, नेशनल लेवल की पार्टी हो गई, तो वो रीजनल पार्टीज की बात भी नहीं सुनती थी, रीजनल पार्टीज को तो ऐसे यहाँ ठीक है तो है, तो रीजनल पार्टीज को इस तरह से टरका दिया करती थी। लेकिन क्या होता है कि ये हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिलता है कि जब नेशनल पार्टीज की सिग्निफिकेंस थोड़ी कम होते चलेगी, जब धीरे धीरे रीजनल पार्टीज ग्रो होने लगी, ठीक है, ग्रोइंग पावर ऑफ रीजनल पार्टीज, तो अब जब रीजनल पार्टीज ग्रो करने लगी ना, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि अब नेशनल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए रीजनल पार्टीज की सपोर्ट लेना होगा। जैसे कितनी सीट्स हैं, 400 हमारी कंट्री में, जैसे टोटल सीट्स कितनी है, 545, ठीक है, 545, जीत के लिए कितनी चाहिए रहती है, 272 प्लस चाहिए रहती, 272 से एक ज्यादा,
273 उतने में गवर्नमेंट बना लोगे। अगर मान लो कि नेशनल पार्टी डोमिनेटिंग है, 400 सीट मिल रही है, अगर 500 में से 400 सीट नेशनल पार्टी को मिल रही है, तो फिर नेशनल पार्टी दूसरी छोटी छोटी पार्टी को तो भाव नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि नेशनल पार्टी की इंपॉर्टेंस कम होते जाती है, नेशनल पार्टी को मान लो 200 सीट ही मिली, और जो रीजनल पार्टी से मान लो उत्तर प्रदेश में कोई सी रीजनल पार्टी है, ठीक है, विदाउट नेमिंग देम, तो ये जो रीजनल पार्टीज की सिग्निफिकेंस अगर बढ़ेगी, तो अब नेशनल पार्टी को उन रीजनल पार्टीज के साथ में क्या करना होगा, कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट बनेगी। आया ना समझ में? तो इसके चलते क्या होता है कि इसके चलते होता है एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है, सेंटर और स्टेट फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, सेंटर और स्टेट, ठीक है, और सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा रहना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेशन कभी उतने अच्छे होते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे अब जब कोलिजन गवर्नमेंट का एरा आना स्टार्ट हुआ, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में बताया था, क्या कि जब एक पार्टी को गवर्नमेंट बनाने वाली सीट्स नहीं मिलती, उतने नंबर में सीट्स नहीं मिलती है, तो दूसरी पार्टीज के साथ में कोलैबोरेट करके, कोलाइड करके क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, गठबंधन की सरकार जो बनती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन और इंप्रूव हुए, अब जो रीजनल पार्टीज क्या कर सकते हैं, ग्रो करिए, तो वो क्या कर सकती है, डिसीजन मेकिंग में अपनी बात भी रख सकती है, और नेशनल पार्टी को उनकी बात मानना होगी। तो जब नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज मिलकर साथ में आई, तो उससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन भी क्या हुए, इंप्रूव हुए, फेडरलिज्म को फायदा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स which we have to write if the question is asked how federalism is practiced in India. India में कैसे federalism को practice किया जाता है, ये पूरी कहानी कथा हमने बताई है। Specific point भी ध्यान रखना है, ठीक है, और in general अगर question पूछा जाता है तो वो भी ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं, last topic जो आपका क्या है, decentralization। Decentralization क्या होता है, decentralization दो शब्द है, decentralization मतलब सेंट्रलाइजेशन यानी सब कुछ सेंटर के पास रख लेना, मीनिंग बता रहे हैं हम, ठीक है, सब कुछ सेंटर के पास रख लेना। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में आप सेंटर से पावर को छोड़ दे रहे हैं, नीचे की तरफ कर दे रहे हैं। जरूरत क्या पड़ गई डिसेंट्रलाइजेशन की, डेफिनेशन अगर देखें तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। आप सेंट्रल लेवल से पावर ले रहे हैं, स्टेट लेवल से पावर ले रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, और नीचे की तरफ दे रहे हैं, उसे डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जरूरत क्या पड़ी, जरूरत, ठीक है, नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो देखो नीड ये होगी डिसेंट्रलाइजेशन की, नीड और एडवांटेजेस दोनों चीजों को आपस में समझना, नीड और इनको आपस में ऐसे समझना कि आपको अगर ग्राउंड लेवल से ग्रोथ करवाना है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से ग्रोथ करवाना है, जैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ दिल्ली दिल्ली में डेवलपमेंट हो जाएगा तो बोल देंगे पूरा देश में डेवलपमेंट हो गया, नहीं, आपको रूट तक जाना होगा, विलेजेस तक जाना होगा, और फिर वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब जब वहां से डेवलपमेंट की बात करते हो तो पावर भी तो वहां तक पहुंचना चाहिए, उनके पास भी तो कुछ क्या होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन को किया गया हमारी कंट्री में 1992, जैसे कि ये मेजर स्टेप लिया गया था तब वो बताएंगे। तो शुरुआत तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन की जाए, बात की जाए, तो वो तो आजादी के बाद से ही की जा रही थी कि पावर नीचे दी जाना चाहिए, दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर दी जाना चाहिए, तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली कब पावर दी, तो 1992 में दी है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेज समझ लो, जब क्या होगा, आप लोकल लेवल पे लोगों को पावर दोगे, ठीक है, तो वो बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, वो बेहतर समझते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम, ठीक है। तो लोकल लेवल पे उन्हीं के पास पावर है, उन्हें अपना अच्छा बुरा ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। प्राइम मिनिस्टर जी को ये नहीं पता होगा क्या कि किसी गांव में किस चीज की जरूरत है, वहां पे हैंडपंप चाहिए उन्हें या फिर वहां पे उन्हें रोड चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां के गांव के लोगों को, वहां के सरपंच को ये पता होगा। आया ना समझ में? तो उस सेंस में प्राइम मिनिस्टर वहां जाके नहीं बना सकते हैं वो चीजें, या फिर प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से नहीं ऑर्डर देके बना सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना होगी कि लोकल लेवल पे लोगों को क्या होता है, ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, दे नो बेटर दैट हाउ टू यूज द रिसोर्सेस एट लोकल लेवल, क्या सही है क्या गलत है, लोकल लेवल पे बेहतर पता होगा, तो क्यों ना हम लोकल लेवल से ही डेवलपमेंट स्टार्ट करें, लोकल लेवल पे पावर देके। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ डिसेंट्रलाइजेशन को लाया गया, ठीक है। मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। अब ठीक है, व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट इन 1992 फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन द चेंजेस व्हिच अकर्ड ड्यूरिंग 1992 इन लाइट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स ही लिखे हमारे पांच, पांच नंबर का क्वेश्चन है, पांच पॉइंट्स भी है, क्या क्या चेंजेस लाए गए थे 1992 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज, ठीक है, पहले
ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं था कि इलेक्शन करवाना ही है, तो किसी स्टेट में हो रहे हैं किसी स्टेट में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उस तरह से क्या है कि सिंसियरिटी नहीं थी इलेक्शंस को लेकर, किसके इलेक्शंस को लेकर, लोकल गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज को लेकर। लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज मतलब पंचायत ग्राम पंचायत वगैरह, अभी आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। तो पहले क्या है सिंसियरिटी नहीं थी, लेकिन जब 1992 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया तो अब सिंसियरिटी आ गई, अब करवाना पड़ेगा बकायदा, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, रिजर्वेशन लिया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ताकि इनको क्या हो, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में लोकल इलेक्शंस में, ताकि वही वाली बात है पावर शेयरिंग में जो हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखा था, शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इन्हें क्या होगा, ये सोशली वीकर ग्रुप जो है वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, रिजर्वेशन दे दिया किसको, वुमेन को, ताकि वुमेन भी एम्पावर्ड फील करे अपने आप को। क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन का काम ये होगा ताकि वो स्टेट में जितने भी लोकल लेवल पे इलेक्शन होना है उन्हें अच्छी तरह से कंडक्ट करवाए, तो ये काम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। अगली चीज, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी कर दिया, और क्या कि तुम्हें पावर भी देना होगी रेवेन्यू भी, वही वाली बिना पैसों के कुछ नहीं होगा ना, तो पावर भी देना होगी और रेवेन्यू भी देना होगा, किसे देना होगा, लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो उनके साथ में आपको पावर और रेवेन्यू दोनों चीजें शेयर करना होगी, आए ना समझ में। तो ये सारे पॉइंट्स ये सारे चेंजेस आए थे कब, 1992 में ये सारे चेंजेस आए, और उन चेंजेस के अगर हम देखेंगे कि इम्पैक्ट उन चेंजेस का प्रभाव क्या रहा, उन चेंजेस का प्रभाव ये रहा कि डिसेंट्रलाइजेशन और स्ट्रांग हो गए हमारी कंट्री में। अब अगर आप देखते हैं तो जो लोकल लेवल पर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, क्रिस्प है, समझा दूंगा बहुत अच्छे से। देखो, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट दो तरह के स्ट्रक्चर है। रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट में एक ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करते तो एक रूरल लोकल गवर्नमेंट है और दूसरा कौन सा है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट ये दो स्ट्रक्चर हो गए रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे इसे पंचायती राज भी कहा जाता है, फिर पंचायत सिस्टम भी कहा जाता है जो गांव में रहता है। तो एक गांव से उठ के सीधे डिस्ट्रिक्ट तक जाता है, ये होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट। गांव से उठ के सीधे डिस्ट्रिक्ट तक जाता है, कौन जाता है, तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे जाता है, देखो तो ग्राम पंचायत होती है एक, ठीक है। सबसे पहले गांव में एक गांव या फिर दो गांव मिलके पॉपुलेशन के बेसिस पर रहता है, ठीक है। एक गांव या फिर दो गांव मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत बना ली उन्होंने, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। अब उन्होंने जो ग्राम पंचायत बनाई है तो ये ग्राम पंचायत में जितने भी अडल्ट मेंबर्स रहते हैं तो सारे अडल्ट मेंबर्स क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के सारे अडल्ट मेंबर्स वोट करते हैं। वोट करने के बाद में वो अपने अपने वार्ड से पंच को चूज करते हैं और सरपंच जो रहते हैं तो इस पूरी की पूरी ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। एक ग्राम पंचायत रहती है जहां पे सारे अडल्ट वोट करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है, सारे अडल्ट वोट करके किसको चूज करते हैं, अपने पंच को सरपंच को चूज करते हैं, ठीक है। पंच सरपंच को चूज कर लेते हैं वो लोग, ठीक है, ये ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा जो मैंने कहा ना अडल्ट मेंबर्स क्या करते हैं, वोट करते हैं, तो वो अडल्ट मेंबर्स की जो बॉडी रहती है जो इलेक्ट करती है पंच सरपंच को, और उसी के साथ साथ में ग्राम सभा की ग्राम सभा का एक काम ये भी होता है कि ग्राम पंचायत की जो फंक्शनिंग है उसे मॉनिटर करती है, मीटिंग होती है, ठीक है, साल में एक बार दो बार मीटिंग होती है और उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि क्या करना है गांव को, कैसे गांव में विकास कैसे होना चाहिए, गांव ग्राम पंचायत को इतना पैसा मिला है तो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करें, इन सारी चीजों पे क्या किया जाता है, इन सारी चीजों पे काम किया जाता है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा। तो ग्राम सभा कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, ग्राम सभा क्या है, लोगों का जो ग्रुप है वो ग्राम सभा, और ग्राम सभा में सारे लोग वोट करके ग्राम पंचायत को चूज करते हैं, ग्राम पंचायत को इलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या, अब सब कुछ इनडायरेक्ट चलेगा, फिर क्या होता है कि ये जितनी भी एक एरिया में जितनी भी ग्राम पंचायत होती है तो कुछ ग्राम पंचायत, जैसे तहसील लेवल पे कह लो तो कुछ ग्राम पंचायत, जरूरी नहीं कि चार ही रहे, वो तो मैंने डायग्राम बनाया है, तो इस तरह से ग्राम पंचायत जो रहती है तो ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है। इसी पंचायत समिति को ब्लॉक भी कहा जाता है, इसी ब्लॉक को मंडल परिषद भी कहा जाता है, या फिर मंडल भी कहा जाता है सिर्फ, ठीक है। तो ये पंचायत समिति कह लो, ब्लॉक कह लो या मंडल कह लो, वो कैसे बनता है, तो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल दी पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो इस एरिया में जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, मतलब जितने भी पंच सरपंच हैं,
तो ये पंच सरपंच मिलके क्या करते हैं, पंच सरपंच मिलके देखो इस ग्राम पंचायत के पंच सरपंच आ गए, उसी तरह से और जो दो तीन जो ग्राम पंचायतें थी अलग अलग, सारी ग्राम पंचायतें जितनी भी एक एरिया के अंदर आती है वो ग्राम पंचायतें मिलके ग्राम पंचायतों के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के मेंबर्स मतलब पंच और सरपंच, ग्राम सभा के नहीं बोल रहे हैं, पंच सरपंच मिलके क्या करते हैं, पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। आया ना समझ में? तो जैसे ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत ने मिलकर एक पंचायत समिति बन ली। अब ऐसे इसी तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, दो तीन पंचायत समिति बनेगी। ये चीज देखो यहां पे, तो ये एक पंचायत समिति, ये दूसरी पंचायत समिति, और भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पंचायत समिति होगी तो वो सारी पंचायत समिति मिलकर पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या बनाएगी, जिला परिषद बनाएगी। ठीक है, अब जिला परिषद में क्या होता है, जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई एमएलए है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो भी उस जिला परिषद का पार्ट होता है, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्टेड रहती है। ठीक है, तो एमएलए एमपी एंड ऑफिशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कलेक्टर है तो कलेक्टर इस जिला परिषद के क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। तो जिला परिषद में क्या है, सारे एमएलए एमपी एंड ऑफिशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर इट्स मेंबर। ठीक है, तो इस डिस्ट्रिक्ट के मेंबर बन जाएंगे सारे लोग। जिला परिषद चेयरपर्सन इज दी पॉलिटिकल हेड, और इस पूरे जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन रहेगा, जिला परिषद चेयरपर्सन। ठीक है, तो जिला परिषद चेयरपर्सन इज दी पॉलिटिकल हेड, हेड कौन करेगा, जैसे हम देखते हैं यहां पे ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट कौन होता है, सरपंच, सरपंच इज दी पॉलिटिकल हेड ऑफ ग्राम पंचायत। तो ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनता है, ठीक है, वो ग्राम पंचायत से ही उठ के आता है सीधा, ग्राम पंचायत से पंचायत समिति, पंचायत समिति से जिला परिषद, और जिला परिषद का हेड जिला परिषद चेयरपर्सन। ये हो गया क्या, रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये गांव का हो गया, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र का हो गया, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट हो गया। अब बात की जाए किसकी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या है, देखो तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज आल्सो, अर्बन एरियाज मतलब अर्बन लोकल बॉडीज हो गई। अब अर्बन लोकल बॉडीज में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, देखो अर्बन लोकल बॉडीज में क्या होता है कि शहर के ऊपर रहता है, बड़ा शहर है तो बड़े शहर में क्या कहलाएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे क्या, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। तो बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो कौन होता है, मेयर होता है। मेयर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और जो टाउन्स रहते हैं, ट्रांजिशन एरियाज रहते हैं, तो वहां पे म्युनिसिपैलिटीज होती है, म्युनिसिपैलिटीज का हेड कौन होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। ठीक है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है तो वो म्युनिसिपैलिटीज का हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है। ये म्युनिसिपल चेयरपर्सन मतलब जो छोटे टाउन्स रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक, और मेयर जो रहता है, तो मेयर कहां के रहते हैं, मेयर रहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट, आपकी बुक में इतना ही दिया, इसमें और बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन अभी हम बुक से स्पेसिफिक चल रहे हैं, मतलब इसमें और सब डिवीजन, डिवीजन, अलग अलग वार्ड्स, पार्षद, ये सारी चीजें होती है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहां पे होता है क्या, कंप्लीट। कौन सा चैप्टर, आप इसी तरह से सेलिब्रेट करो, दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए सिविक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन कर लिया आपने पूरे चैप्टर का एक साथ एक वीडियो में, अब बुक रीड करना है, बुक रीड करेंगे, किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।